छंटे कौसा के जाता रा परदेश बलमुआ चौबटा देश बलमुआ छोड़ के आपन देश बलमुआ अरे हाथ जोड़ के पंडित जी से खुलवा के देखी पतरा एगना सार बना दीजिए फिर डिस्टर्ब होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। हेलो देख लो भैया हेलो 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 क्या बात है बहुत सुंदर यह आपका साउंड सर्विस है। ये भोजपुरी वालों ने कहा है कि जाता रा परदेश बलमुआ छोड़ के आपन देश बलमुआ जाता रा परदेश देश बलमुआ हाथ जोड़ के पंडित जी से खुलवा के देखी पतरा कैसे हेलो हेलो इसको वॉल्यूम बढ़ा दो टेबल डाल दे बहुत बढ़िया बोल रहा हेलो हेलो क्या बात है बहुत सुंदर है आपका साउंड सर्विस हेलो हम आई हमेशा इसमें राउंड रखें हेलो ठीक है बस अब देखिए होता क्या है क्या कोई हिंदू है कोई मुसलमान है अगर हमारे फतेह खान भैया हूँ तो सुनेगा अच्छा दादा है क्या बात धन्यवाद है सुनिए अरे कोई नहाए गंगा सागर यहाँ नहाने से ऐसे पाप धुलते हैं लेकिन होता क्या है क्या कोई नहाए गंगा सागर कोई नहाए द्वारिका कोई जाए अमरनाथ कोई जाए द्वारिका कोई जाए द्वारिका कोई जाए द्वारिका लेकिन लेकिन के होला दिन चार बाटे भूला सिस्टम चार बाटे करेला विचार बाटे रे चार दिन की जिंदगी है कहते हैं कोई कहता है सोने के महल बनवाएंगे कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे पर भूल गया प्राणी इस जीवन की क्या औकात है कि चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है इसलिए शाबाश बेटे शाबाश होला दिन चार बाटे भूला सिस्टर चार बाटे करेला विचार बाटे रे 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 तो का होई काशी के जाए जो बेटा जो शाबाश का होई काशी के जाए का होई काबा के नहाए मुस्लिमों में एक स्थान है काबा नहाने जाया जाता है क्यों चाचा सही कह रहे का होई काशी के जाए का होई काबा के नहाए
करो। हाँ अरे पहले मन का मैल छुटाई ले बाद में मारे रंगा। मन है चंगा मन है चंगा मन है चंगा तो कठौती मैया मिली जई है गंगा। मन चंगा तो कठौती गंगा। अरे का होई काशी के जाए का होई का पाके नहाए। पहले मन का मैल छुटाइले बाद में मारे रंगा। मन है चंगा मन है चंगा मन है चंगा तो कठौती मैया कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इतनी ठंड में इतने लोग बैठे हैं यही बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा जो लोग चले गए हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? उनसे यही कहेंगे कि जो कार्यक्रम छोड़ के चले गए हैं और जिस कार्य के लिए गए उसमें सफल नहीं होंगे वो। अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? और अब जितने लोग हैं इनसे निवेदन है वो घर नहीं जाएंगे। घर जाने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ हुआ होगा हो गया होगा। बेकार मार खाने से कोई मतलब नहीं। दीपू भैया 100 रुपये हमको घूस दे रहे हैं कि 4 पंक्तियां इनकी तरफ से पढ़ दी जाएं। कोरोना के लिए बहुत अच्छा गीत पढ़ा ज्योति कमल जी और खुरपेची दादा की कलम का कोई जवाब नहीं है लेकिन 4 पंक्तियां हमने भी दीपू भैया की ओर से कोरोना के लिए पढ़ रहा हूँ। दीपू भैया 100 रुपया घूस देना है आपको। दीपू भैया कोरोना से नहीं डरते। कोरोना से डरते होते तो इतना बड़ा कार्यक्रम न करते। ये कोरोना के सामने खड़े दीपू भैया की तरफ से 4 पंक्तियां कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए। काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए। और ये कह रहे हैं मैं कोटेदार की बीबी को गले लगा लूं भले हमको कोरोना हो जाए। तालियां बजाइए जोरदार। और अभी तरह तरह की बातें हो रही। देखिए हम रहा राजनीति की ओर नहीं जाना चाहते। यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं ना। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ ना बीजेपी का आदमी हूँ। खाली अपनी बीवी का आदमी हूँ। हाँ अगर लग रहा है तो एक बार तालियां और ठोक दो। ये सब पार्टी वार्टी से क्या मतलब? अभी एक आदमी हमको मिला। हमने कहा यार सकल से तो लग रहा तुम कांग्रेसी हो। कहने हाँ 1 घंटा पहले कांग्रेस में थे बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन मैं किसी सरकार की ओर नहीं इशारा करता हूँ। राजनीति के ऊपर व्यंगों का मजा लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा था हमारे आदरणीय पत्रकार जी बैठे हो संदीप भैया दे रहे हैं। हाँ संदीप भैया ने जो अभी हमने रिश्वत की बात की है 4 पंक्तियों के लिए संदीप भैया ने 100 मुद्राएं भेजी। बहुत बहुत मैं आपको नमन करता हूँ। हम तो कहते हैं गुरु 100-100 रुपया कहाँ तक दोगे? सीधे ATM नंबर लाओ जितनी जरूरत होगी निकाल लेंगे। क्या मतलब इससे? क्यों राजकमल दादा लॉकडाउन के बाद तो अब तो कार्यक्रम मिले हैं। हाँ तो मैं कह रहा था अखिलेश यादव ने कहा कि जो जगह जगह पे 100 नंबर की पुलिस खड़ी है ये हमारी देन है। तो योगी जी ने कहा जगह जगह पे जो 100 नंबर की पुलिस खड़ी है ये तुम्हारी देन है और जगह जगह जो साढ़ खड़े वो हमारी देन है और दोनों का काम है चरो। अभी मैं आया तो एक आदमी ने हमसे कहा यार अच्छे दिन नहीं आए। मोदी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। हमने कहा क्यों? बोले चोरी हो रही डकैती हो रही कहाँ अच्छे दिन आए। तो हम कहा तुम्हारे अच्छे दिन नहीं है चौहान के नहीं है कहा। आखिर मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो अच्छे दिन इससे ज्यादा क्या अच्छे दिन आएंगे। 100 नंबर डायल करो पुलिस आ जाती 100 रुपये पकड़ा दो चली जाती। अब क्या कहूँ कि घर लोगे? तो सरकारें अपना काम कर रही है। पूरे आनंद के साथ सुनिए। अभी मैं आया था जगह जगह पर चालान
कट रहे थे गुरु संतोष भैया, हम तो संतोष भैया के नाम बताएं तब छूटे। हाँ अरे चालान काटने वालों ने तो गजब कर दिया, हरचंदपुर चौराहे में एक तांगा घोड़े वाले का चालान काट दिया। अरे हम कहा तांगा वाले चालान काहे काट दियो, तो पुलिस वाला कहे तुम नहीं जानते हो, तांगा वाले का चालान इसलिए काटा कि लेडी सवारी बैठा है घोड़ा नंगा, समझ रहे हो, तालियां बजाओ। तो पुलिस वाले कब किसका चालान काट दे पता नहीं। हाँ मोटर से, हाँ बहुत अच्छा है, आप आनंद लीजिए, आनंद के लिए कार्यक्रम हो रहा। तो आदरणीय फतेह खान जी हमारे बीच में बैठे हुए, कौमी एकता की एक जीती जागती मशाल है। कई लोग हमसे कहते गंगा बड़ी कि जमुना बड़ी, हम कहा यार हमें लिए तो दोनों बड़ी, हम तैरे नहीं जाए जो कूदब वह डूब मरब। तो कहने का मतलब ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, कौमी एकता की बात। कई लोग पाकिस्तान को बहुत लिथाड़ते, ऐसा मत कहो, पाकिस्तान हमारे भारतवर्ष की नाजायज औलाद है। 1947 में इसका जन्म हुआ और हमारी गीता कहती जिसका जन्म होता उसकी मृत्यु होती, जातस्य हि ध्रुव मृतस्य च। तो कहने होते बहुत कुछ कहने जो बहुत कीर्तन कलाकार कवि लोग पाकिस्तान को कहते। एक वीर रस के कीर्तनकार थे, तो वो कह रहे थे तुम मुझे सत्ता सौंप दो हालात बदल देंगे, तुम मुझे सत्ता सौंप दो हालात बदल देंगे। कहते कहते अपने घर चले गए और पत्नी के आगे भी यही बोले, तुम मुझे सत्ता सौंप दो हालात बदल देंगे। पत्नी ने कहा पैजामा तो पहले बदल लियो, 7 दिन से वह पहने हो तो पैजामा नहीं बदल सकते, तुम सत्ता हालात क्या बदलोगे। तो देश अपने हिसाब से चल रहा है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। आइए समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं आदरणीय रमेश सरल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और बढ़िया सुंदर सा जवाब। कई लोग भोजपुरी की डिमांड कर रहे हैं, कोई निर्गुण की डिमांड कर रहा है, तो कलाकारों के सामने दिक्कत है, एक साथ बहुत डिमांड न रखो। एक बार पंडित जी एक गांव में गए तो एक आदमी ने कहा पंडित जी रामायण की कथा सुनाओ। पंडित जी से कहा रामायण की कथा सुनाओ, एक सेकंड। दूसरा वीर रस का बैठा था, उसने कहा पंडित जी आल्हा सुनाओ। एक लड़का बैठा था, उसने कहा पंडित जी फिल्मी गाना सुनाओ। अब पंडित जी चक्कर पड़ गए कि रामायण सुनाए कि आल्हा सुनाए कि फिल्मी गाना सुनाए। तो पंडित जी ने कहा सुनो, आगे बहुर चले रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियर आया, भैंस बियानी है मोहबे माँ, पड़वा गिरा फरुखाबाद, जरा नजरों से कह दो निशाना चूक न जाए। तो सबकी फरमाइश पूरी कर दी। आइए मैं अपने बड़े भैया रमेश सरल जी से निवेदन करता हूँ, आए। बहुत सरल है गुरु, इतना सरल कि बेचारे घर में नहीं बोल पाते, अब जो कुछ बोलते मंचे पे बोलते। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए आपके समक्ष। भाई रायबरेली जनपद की शान, ऊंचा हार की जान, और कुछ कह दे शोभापुर के मेहमान, वाह। चले एक बार तालियां बजाइए, मैं रमेश सरल जी से निवेदन करता हूं, वो आए और हमारे श्रोताओं को अपने कीर्तन से हेलो। बहुत अच्छे आदरणीय ज्योति जी के द्वारा बहुत सुंदर सा कार्यक्रम सुना है। जय हो। बहन ज्योति जी, मैंने वो गीत गाया था एक, मैंने कहा था कि अगर जन्मदाता को न तोलू तुलाप, अगर जन्मदाता को न तोलू तुलाप, अगर न्याय दाता नहीं न्याय देता तो उस न्याय दाता की तो ही ए, 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 मैंने ये कहा था। अब जवाबी है
से बनता है, लेकिन आप मेरे ही शब्द को उठा लाए। मैंने भी कहा तौहीन होगी, आपने भी कहा तौहीन होगी, जय हो। अरे जवाब तो तब होता जब आप कहती सम्मान होगा। भैया दीपू भैया, क्या बात, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अब चूंकि हमसे महान कलाकार हैं आज कई वर्षों से, हम तो अभी पैदा हुए हैं, ये तो हमारे भैया दीपू जी का पता नहीं कौन सा ऐसा, अरे हमारा ही सौभाग्य समझो कि आज हम यहाँ आ गए। लेकिन फिर भी हम कुछ कमी नहीं निकाल रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं। आप बहुत अच्छा गाई हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और क्या, बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी भी करना ठीक नहीं है। आइए आपका जो गीत आया है, सुनाओ। आपका गीत आया कि शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी, अच्छा ये कटपीस का, आइए इनके कटपीस का पहले उत्तर दे देता हूं फिर गीत। चलो गीत आया कि जाता रे परदेश बलमा, क्या बात है, ये जाता रा परदेश बलमा, छोड़ के अपन देश बलमा, हाथ जोड़ के पंडित जी से, हाथ आप ज्यादा नजदीक से प्रयास किया है और आपने इस गीत में बताया कि कोई नहाए गंगा सागर, कोई नहाए द्वारिका, क्या बात है। अब नहाने वाले तो हमारे गोकना घाट में भी नहाते हैं और तीर्थ स्थल पे बहुत से लोग जाते हैं। आपका गीत बहुत अच्छा आया है कि कोई नहाए गंगा सागर, कोई नहाए द्वारिका, कोई जाए अमरनाथ और कोई जाए द्वारिका, कोई जाए द्वारिका, कोई जाए द्वारिका। तो पहले मन है चंगा, मन है चंगा तो कठौती मैया मिली जई है गंगा, ये आपका गीत आया है। ये तो संत रविदास आज नहीं कई साल पहले कह गए थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जय हो। आइए जवाब सुनिएगा, अब चूंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अब कोई जाए द्वारिका, कोई काशी, कोई मथुरा, लेकिन देखिए प्रयास सुनिए, सबसे बड़ी पूजा इबादत होती क्या है आदरणीय दादाजी, कि कोई पूजे देव ऋषि और कोई पूजे शक्ति को, क्या बात है, कोई पूजे देव ऋषि और कोई पूजे शक्ति को, कोई पूजे कर्म धर्म और कोई पूजे भक्ति को, कोई पूजे भक्ति को, कोई पूजे भक्ति को। पूजते हैं मानव, पूजते हैं मानव, पूजते हैं मानव, पूजते हैं मानव, क्या बात है, पूजते हैं मानव, पूजते हैं मानव, जितना भी है अनुभव,
उतनी ही पूजा है और नहीं दूजा है, जितना भी है संभव। अब जो हमारे जिनकी आराध्य की जिस आराध्य की आराधना करते हैं तो का हो गंगा पूजने से कुछ नहीं होगा बड़े भैया दीपू भैया, का होई गंगा के पूजे का होई कोई दूजा, अपने माता क्या बात है, अपने माता और पिता से बड़ी नहीं पूजा। अपने माता और पिता जैसे गणेश जी को गणेश जी की शादी की बात आती है कि आप संपूर्ण सृष्टि की चक्कर लगाइए, इस पृथ्वी की चक्कर लगाइए तो आपकी शादी पहले हो जाएगी, गणेश भगवान ने अपने माता और पिता को ही तीन परिक्रमा में ले लिया। आदरणीय दादाजी का होई गंगा के पूजे का होई कोई पूजा, अपने माता अपने कटपीस का जवाब